नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान गंगराड़े। आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। घपला, धांधली, हेराफेरी, स्कैम, गोलमाल, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम घोटाला। भारत में घोटालों की लंबी होती जा रही कतार में अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले 22,842 करोड़ के घोटाले का नाम जुड़ गया है। सीबीआई ने गुजरात में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत का काम करने वाली कंपनी के खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। सीबीआई के अनुसार घोटाला करने वाली दो प्रमुख कंपनियां एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड हैं। इन दोनों कंपनियों ने 28 बैंकों से कर्ज लेकर कभी वापस ही नहीं किया। उन पैसों से सहयोगी कंपनियों के जरिए विदेशों में प्रॉपर्टीज और शेयर खरीदे, नियमों को ताक पर रखकर बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाया। घोटाले का समय अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 का बताया जा रहा है। इस मामले में स्टेट बैंक ने सबसे पहली शिकायत नवम्बर 2019 में दर्ज कराई थी। इसके बाद अब जाकर कंपनी पर छापेमारी हो रही है। कंपनी के डायरेक्टर ऋषि अग्रवाल, संथाना मुथुस्वामी, अश्विनी अग्रवाल पर वित्तीय अनियमितताओं, फंड के डायवर्जन, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के कई आरोपों में आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में सीबीआई की छापेमारी रविवार को खत्म हो गई। सीबीआई कह रही है कि कोई भी आरोपी देश के बाहर नहीं है। सभी के बैंक खातों, लेन देन और संपत्तियों की जानकारी ली गई है। आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 2016 में ही कंपनी के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद भी कंपनी ने फंड का डायवर्जन जारी रखा। 2019 में शिकायत हुई, उसके बाद लंबी जांच चली, अब जाकर कार्यवाही की जा रही है। इस मामले में एसबीआई पर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उसने जानबूझकर फर्जीवाड़ा केस करने में देरी की। हालांकि बैंक आरोपों को नकार रहा है। आरोपी तो घोटाला कर चुके, अब मुख्य भूमिका में सरकार और जांच एजेंसियां हैं। क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे, इतनी बड़ी रकम वसूली जा सकेगी या फिर घोटालों की कतार और लंबी होती चली जाएगी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें वोकल न्यूज शहडोल।